नमस्कार, मैं जुगल कलाल। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए महंगे और कीमती सामान मंगवाते हैं या बेचते हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं आपको मोबाइल के डब्बों में साबुन की टिकियां ना मिल जाए। ऐसा ही मामला डूंगरपुर के व्यापारी हितेश चौबीसा के साथ देखने को मिला। 26 जुलाई की शाम हितेश को एक फोन आता है और फोन पर बात करने वाली महिला उन्हें बताती है कि वह जियो कंपनी से अंकिता शर्मा बात कर रही है और कहती है कि आप हमारी कंपनी के लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको मात्र 4000 में एक मोबाइल दिया जाएगा, साथ ही इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी। यह सुनकर व्यापारी के फोन लेने में हाँ भर देते हैं और फोन आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिन बीतते ही कुरियर से एक पार्सल आता है जिसमें व्यापारी खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस डब्बे में फोन नहीं बल्कि साबुन की टिकिया थी और साथ में ही मुल्तानी मिट्टी। ऐसे में व्यापारी के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद व्यापारी जिस नंबर से फोन आया था उसे फोन मिलाता है और उसका फोन नहीं उठाया जाता है और फोन बंद कर दिया जाता है। तो वहीं किसी दूसरे नंबर से फोन मिलाता है तो उसे कहा जाता है कि आप कंप्लेन डिपार्टमेंट में फोन कीजिए। इस तरह हितेश को जियो कंपनी के नाम पर चुना लगा दिया गया। इसीलिए आप भी हो जाए सतर्क और सावधान, क्योंकि अगला नंबर आप में से किसी एक का भी हो सकता है। के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने डूंगरपुर जिले की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सनसनीखेज खुलासे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।